भाषा और अवधि का साहित्यिक परिचय। 19वीं शताब्दी में हिंदी हिंदुस्तानी के आने से पहले ब्रज भाषा और अवधि ही उत्तर भारत की दो प्रमुख साहित्यिक भाषाएं थीं। ब्रज भाषा में ही अनेक भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी आदि। ब्रज की व्युत्पत्ति शौर सैनी से तथा भोजपुरी की मागधी प्राकृत से हुई है। अवधि की स्थिति इन दोनों के बीच में होने के कारण इसको अर्ध मागधी से निकलना मानना उचित होगा। ये कवि सूरदास हैं, ये रहीम हैं। अवधि भाषा पूर्व हिंदी की सबसे मुख्य बोली है और हिंदी की उन बोलियों में जिन्हें विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त है। अवध अयोध्या का ही नामांतरण है, जो मध्य युग में एक बहुत बड़े सूबे के रूप में विकसित हुआ था। अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक भाग है जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। इसकी राजधानी फैजाबाद अब अयोध्या में है और अब यह अयोध्या जिले में आता है। अवधि भाषा का प्रथम ज्ञात काव्य लोर कहा या चंदायन, जिसे मुल्ला दाऊद ने रचना की थी। तुलसीदास हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में साधिकाल लिखा है। अवधि भाषा को कौसली या बैसवाड़ी भी कहा जाता है। प्राचीन अवधि साहित्य में अधिकतर रचनाएं देश प्रेम, समाज सुधार आदि विषयों पर और मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक हैं। इसके मुख्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, बलभद्र दीक्षित पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई काका, गुरुप्रसाद सिंह मृगेश, शारदा प्रसाद भुशुंडी। ये सभी विशेष उल्लेखनीय कवि हैं। ब्रज भाषा का प्रारंभिक काल संवत 1280 के आसपास माना जाता है। भाषा की दृष्टि से सूरदास और परमानंद दास से पहले ब्रज भाषा में मनने वाले किसी भी कवि का परिचय इतिहास में नहीं मिलता है। भक्ति काल में ब्रज भाषा को बहुत अधिक महत्व मिल गया था। इस भाषा के प्रमुख कवि हैं केशव, मतिराम, चिंतामणि, पद्माकर, ग्वाल, देव बिहारी, घनानंद, भूषण। अवधि के कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। शुद्ध ब्रज भाषा के प्रथम कवि अमीर खुसरो जाने जाते हैं। ब्रज भाषा काव्यधारा के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखक हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, जिनकी रचना है श्रृंगार रसमंडन, गोकुलनाथ, 84 वैष्णवन की मात्रा, 252 वैष्णवन की। ब्रज शब्द का अर्थ है, महाकवि सायण ने गोष्ठ किया है, गोष्ठ का अर्थ है जहाँ गाय, बैल, बछड़े आदि बांधे जाते हैं। आज भी शुद्ध रूप से ब्रज भाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर, धौलपुर जिले में बोली जाती है। ब्रज भाषा का कुछ मिश्रित रूप जयपुर राज्य के पूर्वी भाग, बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, बरेली, बदायूं तक बोला जाता है। ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में इसे ब्रज कहा जाता है। भारत में यमुना नदी के दोनों किनारों पर एक क्षेत्र है जिसका केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा वृंदावन में है, जिसमें हरियाणा राज्य में पलवल और वल्लभगढ़, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मुरैना आदि क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रकार आपको अवधि और ब्रज भाषा के बारे में कुछ सामान्य परिचय दिया गया है। धन्यवाद।